बिखरे हुए शॉपरों को समेटिए बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना के। जब हम अपने कामों को टिप्स और छोटे छोटे हैक्स के साथ करते हैं तो हमारी बिखरी हुई बहुत सी चीज़ें सिमट भी जाती हैं और बहुत सी यूजलेस चीज़ें जिनको हम फेंक रहे होते हैं वो भी हमारे काम में आ जाती हैं। तो आपके कामों को आसान करने के लिए और चीज़ों को सेव करने के लिए छोटी छोटी सी बहुत ही अच्छी सी टिप्स आपके लिए इस वीडियो में फिर से लेकर आई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल हो सकती है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी, मैं इसमें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। मैंने लिया है एक ये बॉक्स जो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो गया था, फेंक रहे थे, तो मैंने ये बॉक्स ले लिया। इसके साथ मैं आप बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। अच्छा, ये वाइप्स भी ख़त्म हो गए थे तो इसके वाइप्स के ऊपर जो लगा होता है बॉक्स का, इसका कैप जो होता है वो मैंने ले लिया है और अब मैंने इस बॉक्स के ऊपर इसको चिपका दिया है। इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर का जो हिस्सा है इसको मैं कट कर लूँगी। या तो आप इसको पहले मार्क करके नाइफ की पेपर कटर की मदद से या सीजर की मदद से कट कर सकते हैं। मैंने इसको स्टिक करने के बाद नाइफ की मदद से मैं इसको कट कर रही हूँ और आप इसको जैसे चाहें मार्क करके पेंसिल से मार्कर से निशान लगा के उसके बाद कट कर लीजिए। तो मेरे लिए यही कन्वीनियंट था तो मैं इसी तरह से कट कर रही हूँ। आप इसको आराम से कट कर लें और इसको कट करने के बाद आप देखेंगे कि ये कितना अच्छा आपका एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा जिससे आप अपने बिखरे हुए शॉपर्स को समेट सकते हैं। जो कि किचन में हम अपने एक शॉपर, यकीनन हर घर में होता है जिनमें हम शॉपर के अंदर शॉपर्स रखते हैं, तो वो ज़रा सा अजीब लगता है, गंदा लगता है, घर में रखा हुआ, किचन में रखा हुआ, कहीं भी हैंग हुआ हुआ। तो आप इस तरह से एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए जिसकी मदद से आप अपने शॉपर्स को इसके अंदर रखेंगे तो ये बहुत अच्छा भी लगेगा और सिमटा हुआ भी लगेगा आपका किचन। अच्छा, अब ये देखें मैंने कट कर लिया है, उसके बाद ये जो मेरे अंदर के साइडों के जो हिस्सा है ये मेरा बाहर की तरफ नज़र आ रहा है। तो मैं इसको भी, आप देखें, मैं इसको सीजर की हेल्प से कट कर दूंगी ताकि ये बाहर की तरफ मुझे कैप के ऊपर जो है वो शो ना हो और हमारा जो स्पेस है वो इसके कट करने की वजह से और खुल जाएगा, हमें इस बॉक्स के अंदर और थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। अब ये देखें ये मैंने काट लिया है, अब ये इसके अंदर साइडों से नज़र नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगी कि शॉपर्स लूँगी और आपको इस तरह से बताऊँगी कि आप किस तरह से शॉपर्स को इसके अंदर फोल्ड करके रख सकते हैं। शॉपर्स को लेने के बाद इस तरह से फोल्ड करें, उसके ऊपर एक के ऊपर एक शॉपर रख रख के इस तरह से फोल्ड करते जाएं और जितने भी आपके पास शॉपर्स हैं आप इस तरह से फोल्ड करें और इसके अंदर इस तरह से रख दें और थोड़ा सा हिस्सा जो ऊपर निकाला था वो आप इसके बॉक्स के कैप जो है जो हमने बनाया है इसके ऊपर से बाहर की तरफ निकालें और इसको इस तरह से बंद कर दें। अब जब भी आपको ज़रूरत है आप एक शॉपर निकालें और इसको वापस से बंद करके रख दें। आप इसको किचन में कहीं भी रखें ये बहुत अच्छा लगेगा और इससे आपका किचन भी ख़राब नहीं लगेगा, मतलब कि वो जो शॉपर जो एक लटका हुआ होता है वो ज़रा गंदा सा लगता है, ये साफ सुथरा सा डिसेंट सा लगेगा आपके किचन में रखा हुआ। इसके अलावा आप इसके अंदर टिश्यू पेपर का जो रोल होता है वो भी रख सकते हैं, जिसको अपने अपने टेबल पे रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे जो किचन में माचिस होते हैं और हमारे माचिस की जो जली हुई तीलियाँ होती हैं हम उनको इधर उधर फिकरी पड़ी होती हैं, जो चूल्हे पर हम जला देते हैं वो इधर उधर डाल देते हैं। तो आप ये करें कि एक माचिस अपना जो भरा हुआ है तीलियों वाला वो लें और एक खाली माचिस को अपना ले लीजिए। खाली माचिस को सेव करके रखें और इस तरह से आप देखें कि मैं इसके ऊपर पीछे ग्लू लगा के इस खाली वाले माचिस को इसके पीछे स्टिक करने लगी हूँ। अगर आपके पास ग्लू नहीं है, पेपर टेप है, सॉरी डबल साइडेड टेप है, तो आप डबल साइडेड टेप लगा के इस तरह से इसको आपस में ज्वाइंट कर सकते हैं और इस तरह से जब ये ज्वाइंट हो जाएगा तो आप देखें कि आपकी जब भी माचिस आपको माचिस की नीड होगी तो आप कोई भी तरह से तीली लें, यूज़ करें और यूज़ करने के बाद इस तरह से जलाने के बाद जब यूज़ करते हैं वो ख़राब हो जाती है, तीली फेंकने वाली हो जाती है, तो आप नीचे वाला माचिस खोलें और इसके अंदर तीली को यूज़ करने के बाद डाल दें। इस तरह से आपके किचन में गंदगी नहीं होगी, तीलियाँ नहीं बिखरी पड़ी रहेंगी। तो ये छोटी सी टिप की मदद से आप अपने किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और ये बहुत छोटी सी टिप है और बहुत यूजफुल भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे पास ये छोटे छोटे से जो बॉक्सेस होते हैं कभी हमारे क्रीम्स वगैरह में जो आते हैं ये हमारे पास खाली हो जाते हैं तो हमारे लिए यूजलेस हो जाते हैं।
हमारे जो स्कार्फ की पिन होती हैं, हम अपनी स्कार्फ की पिन को इसके अंदर अपने देखिए एडजस्ट बनाएंगे, पिन होल्डर बनाएंगे। आप थोड़ी सी कॉटन ले लीजिए और कोई भी फालतू कपड़ा जो आपके पास बेकार पड़ा है वो ले लीजिए और कॉटन के अंदर कपड़े को इस तरह से रख लें जिस तरह से मैं आपको रख के दिखा रही हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसको पीछे से आप कोई भी सेफ्टी पिन लेके इसको इस तरह से सेफ्टी पिन की मदद से पिनअप कर दीजिए। अगर आपके पास सेफ्टी पिन नहीं है तो आप इसको पीछे सुई से एक दो टांके भी लगा सकते हैं। और ये देखिए मैं इसको सेफ्टी पिन की हेल्प से इसको क्लोज कर रही हूँ और ये क्लोज करने के बाद मैंने इस बॉटल के अंदर इसको रख दिया है। ये बहुत ही अच्छा सा मेरा देखिए पिन्स लगाने का एक छोटा सा वो जो पिन होल्डर होता है वो बन गया है। आप इसके अंदर अपनी स्कार्फ पिन जब भी आए यूज करें, निकालें और वापस इस तरह से लगा दें और इसके बाद आप इसको कवर करके कैप लगा के रख सकते हैं। अपने टेबल पे रखिए या अपने कहीं भी आप साइड टेबल पे रखें, अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखें और जब आपको यूज करना हो आप इसको ओपन करें और अपने पिंस यूज कर लीजिए। तो ये आपकी पिंस भी इस तरह से सेव रहेंगी और जो आपके पास एक यूजलेस बॉटल हो गई थी जो आप फेंक रहे थे वो भी आपके यूज में आ गई है। तो जी बताइए है ना जबरदस्त सी टिप। और आप मुझे किस दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूं। नेक्स्ट टिप भी बहुत यूजफुल है। अच्छा, जो हमें एक्सपायरी डेट पढ़नी होती है बहुत छोटा लिखा होता है, जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी आईसाइट वीक होती है तो उनको नजर नहीं आ रहा होता। तो मैं आपको एक जबरदस्ती टिप बता रही हूँ। आप क्या करें, एक कोई भी मोबाइल लें और इस तरह से मोबाइल में उसकी एक्सपायरी डेट की जो होती है वो पिक्चर ले लें, क्लीन करके क्लोज करके फोकस करके पिक्चर ले लीजिए। अब आप इसको जूम करके आराम से देखें, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट सब देख सकते हैं। ये बड़ा होके आपको आराम से नज़र आएगा, बहुत क्लीन नज़र आएगा। ये छोटी सी टिप है और बहुत यूज़फुल टिप है हमारे बड़े बूढ़ों के लिए जिनको नज़र नहीं आता, जिनकी आईसाइट वीक होती है। जी तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम महीने की दालें वगैरह लेकर आते हैं वो इस तरह से हमारे पास शॉपर में आती हैं और शॉपर हम कट कर लेते हैं और उसके बाद अगर कभी चार्ज नहीं होते या आप किराए वगैरह के घर में रह रहे होते हैं तो आपके पास चार्ज नहीं होते, फैलावा नहीं करना चाहते, इसलिए आपको परेशानी होती है कि हम किस तरह से रखें। तो कोई भी बॉटल का ऊपर का हिस्सा इस तरह से कट कर लें और जिस तरह से आप देख रहे हैं मैंने कट किया है और इसके अंदर से कोना जो आपने काटा था बॉटल के हिस्से को उसके अंदर गुजारें और इसको पूरी तरह से कोनों से पकड़ के इसके नीचे की तरफ रबर बैंड से इसको आप क्लोज कर दें ताकि जो शॉपर का आपने रैपर का मुंह खोला था वो सारा इस तरह से इसके ऊपर लपेट के बंद हो जाए। अब आप ये देखें कितनी आराम से मज़े से आपकी दाल निकल रही है। ये आपका पूरा अच्छी तरह से एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजर हैक बन गया है और ये देखें कितनी आराम से आपकी दालें निकल रही। और अगर आपके पास ये वाला रैप शॉपर है जिसको जो पूरा ऊपर से ओपन होता है तो आप इसके अंदर से इसको गुजारें। आप देख सकते हैं बॉटल के कैप के अंदर से मैंने इसको गुजारा। अब इसको पूरी तरह से फूल की तरह बना के खोल दें और इसके बाद आप इसमें रबर बैंड लगा दें ऊपर। ऊपर से रबर बैंड लगाने के बाद आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी इस तरह से आप इसको कैप लगा के अपने फ्रिज में रखें या अपने कैबिनेट्स में रखें, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। ये देखें मैंने इसको कैप लगा दिया है और ये कितना ज़बरदस्त से मेरी दाल भी सेफ हो गई है और कवर भी हो गई है, बन भी हो गई है। इस तरह से मैं अपनी दालों को गिरने से बिखरने से बचा सकती हूँ। ये देखें कितनी मज़े से मेरी दालें, दोनों मैंने आपको दालें दिखाई कितनी अच्छी मेरी दालें एक तरफ समेट गई हैं। तो ये छोटी छोटी से बहुत ज़बरदस्त से हैक्स और टिप्स थी जो मैं आपके लिए लेकर आई थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी।